रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें हमारे पास, आपने कल बताया था आपको कि अंदर वाली टर्म का हमारे पास होना चाहिए डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बेसिकली बनता है हमारे पास 2x+1, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमारे पास उल्ट काम था, इधर 1 आना चाहिए था, इसके साथ 2 आना चाहिए था। अगर मैं ये वाले पोर्शन में से ये देखें 1/1, अगर इसमें से मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ, 1/2 कॉमन लेता हूँ, 1/2 जब कॉमन लूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर बन जाएगा 2x और इसके साथ आ जाएगा 1। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये दोबारा फिर x बन जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा दोबारा ये 1/2 बन जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। अच्छा अभी ये देखें, अब इसमें से हमने यही काम, इसने और तरीके से किया हुआ है ये काम ना। अब ये काम करने के बाद ये बन गया हमारे पास 2x+1। जब इसमें से ये सारा पोर्शन कॉमन ले लिया 1/2, वो 1/2 स्टार्ट पे आ गया, ये उसका डेरिवेटिव बन गया। फंक्शन, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो उसकी पावर में हम क्या लगाएंगे, पावर रूल, 1/2+1 ओवर में भी वही सेम सिनेरियो हमारे पास होगा इसमें भी ना, तो ओवर में भी 1/2+1 ही हो जाएगा। तो लिमिट्स हमारे पास चल रही थी इधर 1 और -1, वो लिमिट्स हम साथ साथ पुट करते जाएंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन उसी तरह ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, कि ये देखें यहाँ तक आ गया हमारे पास, इसकी ओवर जाके ऊपर चेंज हो गया, वो बन जाएगा 2/3, 2 से कैंसिल हो गया, या इधर से 1/2 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 1/3 कॉन्स्टेंट कॉमन आ गया। पहले हमने 1 पुट किया पूरे में, ये सब में पूरे में 1 पुट कर दिया, दरमियान में वो फार्मूले वाला माइनस, फिर -1 पुट किया, ये सारे के में -1 जहाँ जहाँ पुट सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये रह गया। अब ये आपको कल भी बताया था, ये आपको आंसर आपका इधर भी ठीक है, अगर आप आंसर मतलब एक्सटेंड करना चाहते हैं, बुक की तरह लाना चाहते हैं, तो ये आपको लिख सकते हैं 3 × 3^1/2। पावर जब बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, 1+1/2 ये बन जाएगा हमारे पास 3/2, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास टेन का फार्मूला आपको बताया था हमने, ये सारा सवाल हमने किया हुआ है उसमें 3.4 एक्सरसाइज में, 3.3 एक्सरसाइज में सॉरी, जिसमें आपको बताया था टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/1+x2। अगर इधर 1 है तो इधर x/1, इधर 1/1, अगर इधर a का स्क्वेयर हो तो इधर आता है x/a, 1/a, अगर इधर 3 हो तो ये बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3। अब उसी तरह हमारे पास इसमें क्या किया, x² + 9, उसको हम कर लिया x² + 3 का स्क्वेयर। अब ये देखें आपको यही बात बताई है कि ये tan इनवर्स होता है हमारे पास, जब इधर एक 1 होता है तो हम कुछ भी नहीं लगाते साथ, वो सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाता है tan इनवर्स। अब इसमें हमारे पास 3 आ रहा है इधर a की जगह, तो वो आ गया 1/3 tan इनवर्स x/3। अब 1/3 कांस्टेंट था, उसको बाहर निकालना है तो बाहर निकालना, नहीं तो डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1, जब 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/4 पे, 45 पे, और जो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 0 किस पे होता है, 0 पे, tan 0 ही होता है। तो जब हम इसमें देखेंगे पुट करेंगे tan इनवर्स 1 वो हमारे पास आ गया π/4, और tan इनवर्स 0 वो आ गया हमारे पास 0, तो इधर से हमारे पास आंसर क्या आएगा, π/12 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 11th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल सा उसने सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास cos t
और डी टी के रिस्पेक्टिव वो डेरिवेटिव ले और इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इसमें आप बताएं क्या आएगा हमारे पास, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, कॉस की इंटीग्रेशन होती है बेसिकली हमारे पास साइन ऑफ टी, ठीक है, और लिमिट्स हमारे पास क्या है, पाई बाय थ्री, और इधर क्या है, पाई बाय सिक्स। तो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, साइन पाई बाय थ्री माइनस साइन पाई बाय सिक्स, साइन पाई बाय थ्री मीन इसका मतलब होता है अंडर 60, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट थ्री बाय टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू हमारे पास होती है वन बाय टू। शाबाश, एलसीएम आ गया हमारे पास टू अंडर रूट थ्री माइनस वन, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। 15th part है। ओके, लेट्स मूव ऑन 15th part। अच्छा, अभी ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लोअर लिमिट आ गई जीरो, अपर लिमिट आ गई पाई बाय फोर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस टू थीटा प्लस वन। अब देखें नीचे वाला, तो हमारे पास ऊपर वाले टर्म को तो हमने देखना ही नहीं अभी, क्योंकि वो तो सिंपल साइन और कोस में पहले ही है, इधर ये चीज नहीं आ रही थी हमारे लिए, कोस टू थीटा। कोस टू थीटा का बेसिकली फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, कोस टू थीटा के तीन फार्मूले होते हैं हमारे पास, एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वन होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थर्ड वन होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से हमने ये वाला फार्मूला यूज कर लिया, ये वाला कोस स्क्वायर वाला, कोस टू थीटा इक्वल टू टू, अगर ये यूज करेंगे तो फिर भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व, ना आंसर फिर भी वही बनेगा, वो चेक कर लें आप, वो कैसे, कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा बेसिकली कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और साथ क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या आ रहा है, cos theta plus sin theta, एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 over cos theta sin theta minus। अब इसको फिर हम इसकी rationalization करके मतलब उस तरह करते हैं, ये भी ऐसे भी हो जाएगा हमारे पास, अगर मतलब तीनों में से जो फार्मूला आप पुट करना चाहते हैं तीनों से इनकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमने इधर पुट कर दिया ये सेकेंड वाली, अब सेकेंड वाली में से हमने क्या किया है, cos of 2 theta, तो इधर से हमारे पास बन गया cos of 2 theta minus 1, इधर आके क्या बन गया plus 1, इधर से बननी थी ना ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास नीचे वाली पूरी वैल्यू, ये हमारे पास बननी थी इस वाले फॉर्मूले से, cos 2 theta equal to, ये फर्स्ट स्टेप क्यों की है, कौन सा फर्स्ट स्टेप, सर बुक में तो ये सेकंड स्टेप से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, नीचे 2 cos square theta लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से बुक में ये स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ से शुरू हो रहा है बुक में, चले फिर ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो फिर वहां से ठीक है, फिर ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रोसेस हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन ही इधर से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो इधर से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, इधर से फिर हमने वो फार्मूला अगेन वो वाला उस फॉर्मेट में लेके जाना है, फिर आपको पता है जब स्केयर वाला होता है तो स्केयर वाले को हम डबल एंगल में मतलब लेके जाते हैं, सर अगर वो होता तो इसमें लाना, सब ये है उसमें लेके जाएंगे, ये देखो ना ये क्या, ये इसने नहीं नहीं बस मैथ में दिमाग ही खराब करो, ये देखें ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है ना उसने बुक में, अच्छा देखना पुरानी बुक्स में ये वाला फॉर्मेट तो नहीं लिखा हुआ किसी के पास है बुक, सर नई बुक, नहीं सर नई में भी यही है, चलो सही है पुरानी में भी यही है, फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, इनका एलसीएम अलग अलग कर लिया हमने, ये देखो इनका एलसीएम अलग अलग कर लिया दोनों का, तो ये बन गया कॉस, एक कॉस कैंसिल,
साइन ओवर कॉस हमारे पास ये बन जाएगा टेन, यहां से देखें कॉस एक कॉस से कैंसिल हो गया, ये वन ओवर कॉस बन गया टू, वन ओवर टू कांस्टेंट बाहर आ गया, वन ओवर कॉस किसके बराबर होता है सीकेंट के बराबर, साइन और कॉस हमारे पास बन गया टेन, वन ओवर कॉस सीकेंट के बराबर, हमें पता है सीकेंट थीटा टेन थीटा ये किसके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है, सेकंड स्क्वायर ये डेरिवेटिव किसका होता है सेकंड 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 का, सिंपल सेकंड का डेरिवेटिव होता है ये हमारे पास है ना, सिंपल सेकंड का हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव होता है, सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकंड थीटा इनटू टेन थीटा। तो अब ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाले पोर्शन के बाद सीकेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है लॉग में होती है, लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ये वाली जिसका हमने प्रूफ भी किया था। यस सर। सर ये इतने मुश्किल सवाल आते हैं पेपर हाँ में, फिर ये लॉन्ग में आने का इसका चांसेस होते हैं ज्यादा ना। इंशाल्लाह होगी हमारी सेकंड ईयर। सही हो गया। अच्छा अभी ये इसकी हमारे पास आ गई सीकंड की, और ये आ गया हमारे पास सीकंड की इंटीग्रेशन होती है, ये भी सीकंड की इंटीग्रेशन ये, और सीकंड इंटू टेन थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास ये होती है सीकंड थीटा। तो इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, फिर इसी तरह इसमें भी सीकंड 5/4 माइनस सीकंड 0, उनको सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। बाद में जो लिमिट्स पुट करनी है ना वो तो सिंपल, कोई मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, बेसिक होता है इनकी जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन हमने कैसे इसको रिजोल्व करना है, इंटीग्रेशन को रिजोल्व करने के बाद जो सिंपल स्टेटमेंट है हमारे पास लिमिट्स की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हम इजीली पुट कर सकते हैं। गुड हो गया सर जी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 आपको याद होगा उसमें था 10 पॉइंट आई थिंक 4 एक्सरसाइज थी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में ना, या 10.3 का एक क्वेश्चन था या 10.4 ही आई थिंक, मेरे ख्याल में ना 10.4 में था, उसमें था कॉस 4 थीटा, साइन 4 थीटा को रिड्यूस करना है इनटू सिंगल पावर, और कॉस 4 थीटा यस एक सर एग्जांपल थी, एक यस क्वेश्चन था, सर ठीक है ना। यस सर अब यस उसी तरह ही सर है, ये देखो अब कॉस क्यूब थीटा है ना, कॉस क्यूब थीटा को हमने ढाई घंटा रिजॉल्व करना क्वेश्चन है था। सिंपल पावर में, सिंपल पावर मतलब सिंगल पावर में, इधर वन लेके आना है हमने ट्राई करना है। अब पहले हमने इसको वन लाएंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन इसकी अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास कॉस केयर थीटा और कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस केयर थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है वन माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू ओ सॉरी इंटू कॉस थीटा। यहाँ से एक तो बन गया, एक तो जान छूट गई है ना, कॉस थीटा बन गया हमारे पास सिंपल, एक बन जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इधर से हम एक फार्मूला और इधर भी यूज कर सकते हैं, साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। तो ये देखें फंक्शन, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव आगे मौजूद है सारे का सारा, तो इसकी पावर में क्या करेंगे यस सर थ्री ओवर थ्री पावर रूल लगेगा। पावर रूल इस पे लग जाएगा, और ये तो हमारे पास सिंपल ही कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा। साइन तो ये आ गया हमारे पास लिमिट्स हमने लगानी है, लिमिट्स लगाएंगे, लिमिट्स लगाने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, गुड हो गया सर जी। ठीक है ना, आसान ही है ना, इजी है, मुश्किल नहीं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 18 तो नंबर 18। वो भी सेम, उसमें पावर 4 है। हाँ वो फिर वो पावर पहले रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक उसमें पावर 4 है। हो गया। इसमें वो वाला क्वेश्चन पूरा अब रिजोल्व करता है, उसको सॉल्व करता है कोस फोर वाला ना, ये उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है जो आपका फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर था उसमें ना।
अब ये देखें हमारे पास इसको उसने रिजोल्व कर लिया, कॉस फोर को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। अब कॉस स्क्वायर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, हमारे पास कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से आ गया वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर टू इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की अब कॉस स्क्वायर टी है, कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू हमारे पास लग जाएगी वन प्लस कॉस टू टी ओवर टू, ये वाली वैल्यू का दी। नीचे वाले का स्केयर क्या बन गया हमारे पास फोर, ऊपर वाले का स्केयर वन का स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर, ये आ गया हमारे पास। अभी भी ये हमारे पास रिजोल्व नहीं हुआ किसमें, सिंगल पावर में, क्योंकि अभी भी इधर आ रहा है हमारे पास पावर आ रही है कोई ना कोई। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास ये देखें, अगर इधर टू है तो इधर क्या होता है वन, अगर इधर फोर हो, यही क्वेश्चन अगर हमारे पास इधर हो जाएगा कॉस फोर थीटा, तो इधर दूसरी तरफ से क्या बन जाएगा हमारे पास टू आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा टू कॉस के एयर टू थीटा माइनस वन, तो यहां से बन जाएगा वन प्लस कॉस फोर थीटा इक्वल टू टू कॉस केयर टू थीटा। अब इसके साथ टू नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस कॉस फोर थीटा ओवर टू इक्वल टू कॉस केयर टू थीटा। अब ये देखिए ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इसका, अब इसकी जगह ये पुट कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, जब नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये बन जाएगा। अब ये देखें अगर हम इंटीग्रेशन टू की लेते हैं, वन रह जाएगा हमारे पास, वन की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी, कॉस टू टी की हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, कॉस फोर टी की इंटीग्रेशन हमारे पास इजीली सॉल्व हो सकेगी। अब इसमें पावर वाला कोई चक्कर नहीं रहा, पावर कोई भी नहीं रही इसमें, तो ये हमारे पास इजीली सारे का सारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन हमारे पास इधर से लेना इजी होगा। ये आ गया हमारे पास टू प्लस वन, ये बन गया थ्री, ये बन गया फोर कॉस थीटा कॉस टू टू ए टी सॉरी कॉस फोर ऑफ टी। अब ये देखिए इंटीग्रेशन अब सबकी लगाई, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएगी सिंपल टी, इसकी इंटीग्रेशन फोर तो आनी आनी है, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कॉस टू टी का हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन टू टी ओवर टू, कॉस फोर टी किस में चेंज हो जाएगा साइन फोर टी ओवर फोर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। अब सभी की हमने साथ ही इसकी लिमिट पुट कर देनी है, अब ये पूरा फंक्शन हमारे पास बन गया एक। अब पूरे फंक्शन में हमने क्या किया, पहले ऊपर पाई बाय फोर पुट करेंगे, सब में पाई बाय फोर पुट कर दिया, ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, पाई बाय फोर पुट करने के बाद हमने क्या किया इसमें माइनस लोअर लिमिट हमारे पास कौन सी थी जीरो, जीरो लोअर लिमिट है हमारे पास, फिर हमने जीरो वाली लोअर लिमिट पुट करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया। मेन इसमें कंफ्यूजन ये थी कि उसको साइन अगर ये साइन में आ जाए साइन की पावर फोर या कोस की पावर फोर, तो दोनों में यही प्रोसेस हमने करना है जो इस प्रोसेस में किया है, इसको रिजोल्व करना है। तो उसमें फिर साइन अगर आ जाता है तो कोस वाला ये फॉर्मूला लगेगा, कोस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इधर साथ बन जाएगा कोस फोर थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा, ठीक हो गया। तो इधर से हमारे पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। 19th पार्ट अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब कोस केयर कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है माइनस साइन, तो हम इसको इसी लाइन में भी कर सकते हैं पाई बाय थ्री कोस केयर थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और एक माइनस हम बाई लगा देंगे इस पे पावर रूल लगा दें माइनस कोस थ्री थीटा ओवर थ्री, और साथ इस पे लिमिट अप्लाई कर दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कोस थ्री पाई बाय थ्री
माइनस कोस थ्री और ये वन बाय थ्री इधर बाहर आ जाएगा और माइनस इसके साथ सर? जी सर बाहर माइनस क्यों लगाया आपने? माइनस ये बाहर क्यों लगाया, हमने हमारे पास इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना था, हमने कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो हमने ये माइनस अपने से लगाया, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट इसने हमारी जरूरत पूरी कर दी, कोस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, ठीक हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसने किया हुआ है दूसरे मेथड से, इसने बाय पुटिंग मेथड किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 26, इतना लॉन्ग जंप। यस सर, तब्दीली आई। चलो जी, अल्लाह करे कि ये तब्दीली आपके हक में बेहतर रहे। इंशाल्लाह सर। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया sin x -1, दोनों का एलसीएम अलग अलग कर दिया, दोनों का एलसीएम जब अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का, पीछे हमने किया एक साइन ओवर कोज टेन थीटा टेन एक्स और वन ओवर कोज बन जाएगा हमारे पास सीकेंड एक्स, वन ओवर कोज के एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड स्केयर एक्स के बराबर होता है। अब ये देखें, ये सारी की सारा किसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सीकेंड एक्स, ये डेरिवेटिव किसका होता है साइन टेन का, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी टेन, सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई। अब उसकी अब हमने उसमें क्या पुट करना है, बस जस्ट लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। वो अपर लिमिट हमारे पास कौन सी थी, इसमें फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर पुट की पहले दोनों में, माइनस जीरो जीरो पुट किया, पुट करने के बाद ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास उसमें 9.4 एक्सरसाइज। यस सर, 9.4 एक्सरसाइज में था आपके पास ना, वन ओवर एक साइन में था, एक एग्जांपल थी उसमें कॉस में, तो इसको रैशनलाइज करते हैं आप ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज इसे आपकी एक्सरसाइज 3.3 में भी किया है, वन प्लस yes, sir. उसमें और था थोड़ा सा क्वेश्चन, वन प्लस सॉरी वन और वन प्लस साइन एक्स, उसके रैशनलाइज कर दी हमने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारे पास वन माइनस साइन एक्स और नीचे बन गया वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कैसे बन गया, ये बन गया हमारे पास किसके बराबर होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोस स्क्वेयर एक्स। नहीं 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 यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू फंडामेंटल आइडेंटिटीज। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसका एलसीएम अलग अलग करो, ये बन जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। पेपर में ऐसे करना है? नहीं, पेपर में ये नहीं लिखना कि क्वेश्चन नंबर 24 की तरह है, ये लिखा हुआ है ना इन्होंने, वो इन्होंने तो इसलिए लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन नंबर 24 में उन्होंने कर दिया था, तो ये बन जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस ये बन जाएगा टेन एक्स और सेकंड एक्स, ये बन गया हमारे पास, इनकी इंटीग्रेशन बन जाएगी टेन एक्स और ये बन जाएगी सेकंड एक्स, अपर लिमिट हमारे पास है पाई बाई फोर, लोअर लिमिट है जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका बन जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बातें करेंगे। ओके 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 ओके, अली क्या बातें करनी है आज, अली से बातें करनी है हमने देर सारी, क्या आई बात, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास आ गया cos x sin x
into 2 plus sin x. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास टिपिकल है. अब देखें ना तो इस नीचे वाले फंक्शन का, अगर तो ये ऊपर होता ना ये वाला सारा पोर्शन, हम इनका सिंपल एलसीएम अलग अलग करते, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते. अब ऊपर मसला है, ऊपर हमारे पास सिंपल कोज आ रहा है, नीचे हमारे पास साइन एक्स, नीचे एलसीएम वाली टर्म आ रही है. मतलब अगर तो हम मतलब इसमें पुट करते हैं साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से, साइन एक्स को हमने पुट किया टी के बराबर, तो ये क्या बन गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव डी टी कोज एक्स डी एक्स. ये बात इसमें लाजमी आपने याद रखनी है, जब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे जो उसकी लिमिट्स होंगी वो लिमिट्स भी उसकी अपर और लोअर लिमिट भी चेंज होंगी. अब वो देखते हैं वो कैसे. अब ये देखें आपने इधर रखा है टी को साइन एक्स के बराबर, अब पहले लिमिट्स इनकी ये थी, अब लिमिट्स हम इनकी चेक करते हैं. अब इधर हमारे पास हम रखते हैं पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स इसमें रखते हैं साइन एक्स में, तो टी की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी वन बाय टू को. मतलब अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन होगी उसमें नीचे वाली लिमिट होगी वन बाय टू. फिर हम पाई बाय टू पुट करते हैं साइन एक्स में, तो साइन 90 हमारे पास होता है 1 के बराबर, तो ये टी की वैल्यू 1 के बराबर आएगी. सर ये लिमिट चेंज करना जरूरी है? हाँ लिमिट चेंज जब आपने अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन करनी है ना, तो तब लिमिट्स कंपलसरी हो जाती है चेंज करना. मतलब लेट्स सपोज जैसे हमारे पास मकानदारी हम चेंज करते हैं, मकान चेंज करते हैं, तो वो सारा सामान भी चेंज करना पड़ता है ना. वो ये तो नहीं ना कहते कि ये सामान भी आप रख लो, कोई कोई बेच भी देते हैं. नहीं वो बेचने वाली में किराएदार की बात किया मैंने, किराएदार में फिर वो नया किराएदार जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली सारा सामान अपना लेके जाएगा ना. तो वकील साहब बड़ी बातें करते हैं. यस सर, तू भी बड़ियां कर, तेरा मुंह नहीं है भाई, ऐसे माड़े लोग. ठीक हो गया भी, जब इसकी लिमिट हमारे पास चेंज होगी, लिमिट चेंज होने के बाद इसमें हमने पुट किया. अब ये देखें साइन की एक्स की जगह क्या पुट करना था, टी टू प्लस टी ऊपर पावर के, इसका पूरे का आंसर क्या बन गया डी टी. तो ये बन गया हमारे पास वन ओवर टू वन, वन ओवर टी टू प्लस टी. अब इधर से हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज को हम रिपीट दोबारा करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, ए के नीचे टी बी के नीचे टू प्लस टी. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए और बी का आंसर आ जाएगा. ए और बी का आंसर हमारे पास उसमें अगेन पुट करेंगे, पुट करने के बाद इधर बन जाएगा वन ओवर टी नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया लॉग ऑफ टी में, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव लॉग ऑफ टू प्लस टी. तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका बन जाएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करेंगे तो हमारे पास एट द एंड उसमें लॉग के लॉ अप्लाई करते हुए, लॉग इधर देखें, इधर हमारे पास अब लॉग अप्लाई करना है हमने. अब देखें इन दोनों, इन दो फंक्शंस में हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है ना. एक स्टेप इसने मिस किया इधर, ये बन जाएगा वन बाय टू माइनस, माइनस कॉमन आ गया लॉग वन बाय टू प्लस लॉग थ्री प्लस आगे जो भी लॉग आ रहे हैं. अब ये देखें जब लॉग का लॉ अप्लाई करते हैं तो लोग जब प्लस हो रहे हो तो आपस में क्या कर देते हैं उनको, मल्टीप्लाई, वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस लॉग ऑफ फाइव बाय टू. अब देखें लॉग फाइव बाय टू माइनस लॉग ये वाला पोर्शन, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये सिंगल लॉग में जब लिखेंगे लॉग फाइव बाय टू ओवर वन बाय टू इंटू थ्री, थ्री बाय टू, हाँ टू से टू कैंसिल, फाइव बाय थ्री हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रह जाएगा. ठीक हो गया ले जी आज का हमारा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने पे, हाँ रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लो एक मिनट.